उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं। उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं। बात हो तो कैसे हो, दोनों तरफ कंजूस बैठे हैं। मैं विवेक पथरिया आपका पीवीएस लर्निंग में स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी की हमारी जारी है, कंटिन्यू है। तो इसके पार्ट 4 हो चुके, आज इसका पार्ट 5th है, कल हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करने वाले, इसका 1 + sin A / 1 - sin A = sec A + tan A। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये लैंग्वेज तो सब में सेम ही है। प्रूव द फॉलोइंग एंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व द एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है। देखो ध्यान से देखना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, गौर से देखिए। 1 + sin A / 1 - sin A, सबसे पहले हमें जो गिवन है ना वो लिखना होता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो गिवन है वो लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज जो हमें क्लास हमने 9th में सीखा था, ध्यान से देखना। 1 + sin A / 1 - sin A ये हो जाएगा इनटू, रैशनलाइज कैसे करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में हमें माइनस दे रखा है तो ऊपर दोनों जब क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + sin A / sin A, ठीक है। 1 + sin A / 1 + sin A दोनों तरफ कर दिया, ऊपर क्या बन गया हमारा A + B। यहां पर लिख देता हूं, देखो फॉर्मूले में आपके लिए A + B और A + B, ये क्या होता है हमारा A + B और A + B होता है हमारा A + B का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स। नीचे क्या बन गया A - B और ये क्या बन गया A + B, तो ये क्या बन जाएगा हमारा A² - B², ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हो अपने डाउट, वी आर फैमिली, ये चैनल मेरा नहीं आपका है, ठीक है, आप इसके ऑनर हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लगा दो A + B, A + B क्या हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया A - B और A + B, तो क्या बन गया हमारा A² - B², तो भैया ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर - sin A का होल स्क्वायर, और लगा दो इसके रूट। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखो क्या आ गया, ये रूट में है तो निकल कर बाहर क्या आएगा, 1 + sin A, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -sin² A, तो ये क्या हो जाएगा, अभी चलो इसको भी है ना रूट में रहना, दोनों को एक साथ ही हटा देंगे, sin² A, ठीक है ना, दोनों को एक साथ ही हटा देंगे। फिर 1 का स्क्वायर sin² A, 1 - sin² A क्या होता है हमारा cos² A। ये सारे फॉर्मूले एग्जाम में भी लिखने हैं हमें, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, ठीक है। 1 - sin² A, ठीक है ना, एग्जाम में भी ये सारे फॉर्मूले हमें लिखने हैं, वरना हाफ मार्क्स कट जाते हैं इनके, क्योंकि हमारे एग्जामिनर बहुत ही बारीकी से कॉपी चेक करते भैया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + sin A का होल स्क्वायर / 1 - sin² क्या हो जाएगा cos² A, ये हो जाएगा cos² A, लगा दो इसके रूट। अब हटा दो इसका रूट, अब हटाओ यहां पर, ये क्या बन गया 1 + sin A / cos A, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, sec A + tan A चाहिए, तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना, स्विमिंग कर लेंगे इसमें। तो 1 / cos A + sin A / cos A,
ठीक है, वन अपॉन कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो सेक ए क्या होता है हमारा, वन अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, सेक ए होता है हमारा वन अपॉन कॉस ए, और टेन ए क्या होगा हमारा, साइन अपॉन कॉस, तो टेन ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, वन अपॉन सेक क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारा, टेन ए, यही छ, यही छ वो फाइनल आंसर। फटाफट से इसका खिंच मेरी फोटो, फटाफट से इसकी फोटो ले लो, फिर अपन करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं और ये सारे स्टेप आपको लिखनी है। देखो कितना इजी था, सिर्फ रेशनलाइज करके और अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, एल एच एस को सॉल्व कर लेंगे यहां पर और आर एच एस निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, साइन थीटा सबसे पहले जो गिवन है वो का वही वापस यहां पर पुट कर दो, टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अभी कुछ भी नहीं किया है, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज मैंने यहां पर उतार दिया है। तो अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो इसको, साइन थीटा अपॉन नीचे क्या ले लो, कॉस थीटा, अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो ऊपर साइन कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया, वन बच गया माइनस, और यहां पर क्या बच गया, टू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ सेम लगा देते हैं ब्रैकेट, वरना ब्रैकेट रोने लग जाएंगे। उसके बाद टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही बचेगा ना, क्लियर है। यहां पर साइन कॉमन लिया तो साइन यहां पर वन आ जाएगा, और यहां पर क्यूब है तो स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर कॉस कॉमन लिया तो यहां पर भी कॉस कम हो जाएगा और यहां पर वन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन खत्म। ये क्या सर, क्वेश्चन खत्म ही हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, जो मेन स्टेप थी ना हमने वो लिख ली। अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान देना, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपको समझना है, ठीक है, ओके। देखो या तो आप इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, डिपेंड ऑन यू। तो इसको कर लेते चेंज, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, बोलिए क्लियर है या नहीं है, बोलिए बोलिए, रिपब्लिक भारत की तरह बोलिए बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको कर लेंगे चेंज, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कट जाएगा। अगर आपको कि नहीं सर मैं तो ये नहीं ये करना चाहूंगा, तो आप क्या करो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है ना, ये कॉस को इधर ले जाओ, यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर भी कट जाएगा, ठीक है, किसी एक को चेंज कर लो। तो ये गलत फहमी मत पालना, कुत्ता बिल्ली सब पालना लेकिन गलत फहमी मत पालना, कि है ना सर एक को ही चेंज कर सकते, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो इधर ध्यान से, ये क्या आ गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज रखा है, डिनोमेटर को, ठीक है ना, अच्छे से समझाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में हम अच्छे से समझ में नहीं आता। तो कॉस की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा भाई साहब हमारे, माइनस वन, ठीक है, सिर्फ कॉस स्क्वायर की जगह मैंने रखा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, क्लियर है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ये तो फॉर्मूला है, हमने कुछ 30 मार्क का नहीं किया है, ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला ही होता है हमारा। अब इसको सॉल्व करो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो ये टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वन का वन यहां पर, क्लियर है या नहीं है, ठोको ठोको ताली।
तो ये हो जाएगा टेन थीटा, देखो ध्यान से देखना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा हमारा, टू में से माइनस वन गए तो क्या बचेगा वन, और इसको एज इट इज रख दो टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ये कट गया हमारा, ये पूरा कट रहा है, तो क्या बच गया, सिर्फ हमारे पास बच गया टेन थीटा। यही छह निकालना था, ये रहा वो आंसर जो हमें निकालना था। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमारी बराबर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। सिर्फ हमें ऊपर कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद दो फॉर्मूले लगाने हैं, किसी एक को चेंज करना था, कट कर दिया, टेन आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, आराम से बेड पे लेटे लेटे। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि इसमें फॉर्मूले घुसाते जाओ। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद लगेगा कोसेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर का, कोस का, सेक का, ये चार पांच फॉर्मूले लगेंगे और क्वेश्चन को अपन खत्म कर देंगे। इधर देखो सबसे पहले लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो मैं आपके लिए सारे फॉर्मूले भी लिखता जाता हूँ, अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं हो तो फॉर्मूले भी उनके लिए उनको याद भी हो जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अपन लगा रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो चिपका दो इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस। अभी मैं एक मूवी का ट्रेलर देख रहा था राधे का, उसमें अभी एक गाना आया सिटी मार, इससे अच्छा तो पंजाबी सॉन्ग ही है। कोसेक स्क्वायर ए टू ए बी टू साइन ए कोसेक ए, क्या गाना बनाया है सिटी मार, मतलब ईव टीजिंग को बढ़ावा दे रहे। ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए, और लिरिक्स एक नंबर की घटिया, साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये का ये फॉर्मूला इसमें भी लगा दो, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, पहले चलो टू ए बी पहले लिख दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें भी मैंने पहले लिखा था तो इसमें भी पहले लिख देता हूँ, टू कोस ए और सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिखा है। एल एच एस को ले लो, आर एच एस को अभी छोड़ दो लावारिस, आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये क्या होता है हमारा, हमेशा वन होता है, ये हजार बार बता रखा है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए ये वाला और कोस स्क्वायर ए ये वाला, इन दोनों को साथ में लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अभी वन वन करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ साथ में लिख दो इनको, ठीक है ना। उसके बाद में देखो टू साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है हमारा, कोसेक ए होता है हमारा वन अपॉन साइन ए, ठीक है ना, कोसेक ए होता है वन अपॉन साइन ए। उसके बाद सेक ए क्या होता है हमारा, सेक ए होता है वन अपॉन कोस ए, मैंने कहा था ना आपको सारे फॉर्मूले चिपकाने बस इसमें, ठीक है ना, तो देखो टू साइन ए कोस की जगह लगा दो वन अपॉन साइन और सेक की जगह लगा दो वन अपॉन कोस, तो लिखो यहाँ पर टू साइन ए इंटू कोसेक की जगह लिख दो वन अपॉन साइन, ये कोसेक स्क्वायर को ऐसा कैसे चिपका दो कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, सिर्फ अभी मैंने कोसेक की जगह वन अपॉन साइन लिखा है, कोस स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया इसके साथ, अब आगे देखो टू कोस सेक ए, सेक ए की जगह क्या लिखेंगे वन अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा टू कोस ए इंटू वन अपॉन कोस,
क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि एक दूसरे से कटते जाए और sec स्क्वायर है ऐसा कैसे लिख दो। देखो हमने कहाँ कहाँ चेंजेस किया, साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर को साथ में लेके आ गए क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है तो साथ में आ गए। तो उसके बाद हमने क्या किया, cosec एक को लिख दिया 1/sin, बाकी को cosec को यू का लिख दिया cos स्क्वायर को, cosec स्क्वायर को cos स्क्वायर ए यहाँ आ गया और sec ए की जगह लिख दिया 1/cos और sec स्क्वायर यू का यू यहाँ पर लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी फैमिली है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये बच्चे हैं, ठीक है, ये मामा और ये मामी है। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। देखो मैंने लिख रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन हो जाएगा। ये साइन से ये साइन कट गया तो टू इंटू वन क्या बच गया हमारा, टू बच गया। ध्यान से देखते जाना, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल, ध्यान से। साइन से साइन कट गया, टू बच गया। कोसेक स्क्वायर हमारा यू का यू यहाँ चिपका दो, यू का यू पुट कर दो इसको। उसके बाद कोस से कोस कट गया तो क्या बच गया, टू इंटू वन टू बच गया हमारा। और सेक स्क्वायर है इसका यू का यू लिख दो इसको। यहां तक किसी के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बस दो फॉर्मूले और लिखेंगे इसके अंदर और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, होता है ना ये फॉर्मूला। तो देखो इस फॉर्मूले को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो कोसेक की जगह क्या लिख देंगे, वन प्लस कोट स्क्वायर ए यहाँ पर कोसेक की जगह, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस ये हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टू और सेक की जगह क्या लिख देंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, यही होता है ना। तो हमें तो सिर्फ सेक चाहिए तो इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। आई कमर दुख गई ना झुकते, इधर देखो वन प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस टेन स्क्वायर है, खत्म, टाटा बाय बाय, क्वेश्चन खत्म। सेक स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने वन प्लस टेन स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर की जगह लिख दिया वन प्लस कोट स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो टू प्लस वन थ्री, थ्री फोर, फोर सिक्स और ये सेवन, तो टोटल हमारा हो गया ये सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। चलो भैया बिल्कुल आंसर आ गया, देखो कितना इजी था, बस समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ भी नहीं करना था, ये सारे फॉर्मूले लगाने इसके अंदर बस, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर कोसेक की जगह और सेक की जगह वैल्यू पुट कर दी और ये दो फॉर्मूले लगाकर ये एलएचएस हमारी आ गई, सेवन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। चलो बहुत ही बढ़िया, पीवीएस लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबका प्लेटफॉर्म है, वाह वाह क्या बात क्या बात। ये मेरा नहीं, ये इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी फैमिली है, सबका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो रेड कलर का जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो और सीटी मत मारना, बहुत गंदा गाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और चलो मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखना और स्वस्थ जरूर रहे, लव यू ऑल।